हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है ये, ब्रेड कस्टर्ड फ्रूट पुडिंग है, बहुत ही इजी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने अमूल का फुल फैट दूध लिया है 1/2 लीटर। कट कर लेंगे इसको और एक बर्तन में डाल लेते हैं। थोड़ा सा दूध हम इसमें से ठंडा ही बचा लेंगे, या फिर आपके पास अगर और एक्स्ट्रा है तो आप अलग से ले लेंगे। मेरे पास और भी दूध था तो मैंने आधा कप दूध अलग से रखा हुआ है। ये ठंडा दूध है नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि हमें गर्म दूध इसमें यूज नहीं करना है। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। जब तक हमारा दूध में उबाल आता है, तब तक हम जो हमने एक कप ये लिया था, आधा कप सॉरी दूध, तो इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैं 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, और अगर आप 1 स्पून लेंगे तो आप इसमें 1 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, या मैदा का भी आप यूज कर सकते हैं। मैं सीधा इसमें कस्टर्ड पाउडर ही यूज कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके साइड रख देंगे, कोई लम्स नहीं पड़ना चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हम ले लेते हैं कुछ फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने अनारदाना लिया है, साथ में मैंने कुछ ग्रेप्स थे मेरे पास, मैंने वो कट कर लिए हैं, पपाया है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रश लिया है मैंने, ये अंगूर का, हरे अंगूर का मैंने क्रश लिया हुआ है। आप चाहे तो क्रश यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे ही फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। ये उबाल आ चुका है हमारे दूध में, और अब हम डालेंगे इसमें शुगर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच शुगर की ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मेल्ट होने देते हैं, बीच बीच में हम इसको चला लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, 4-5 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर। तो अब हम जो गैस की फ्लेम है उसको लो करेंगे, क्योंकि अब हम इसमें कस्टर्ड मिक्स कर रहे हैं। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो एकदम तली में लग ना जाए। और अब हम इसको हिलाते हुए कस्टर्ड डालेंगे। 3 से 4 मिनट हम उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से मिक्स करते हुए कुक होने देंगे। हमें इस तरीके से देख रहे हैं आप, काफी थिक हो गया है। अगर आप 1 चम्मच कस्टर्ड डाल रहे हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च या अरारूट का आटा, या फिर मैदा कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर आप सीधा इसको अवॉइड कर सकते हैं कस्टर्ड को, और वो डालकर कस्टर्ड ये कॉर्न स्टार्च वगैरह और कोई एसेंस ऐड कर दें इसमें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देख रहे हैं आप इसकी थिकनेस, देखिए काफी थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये देखिए मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है, इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा होने के बाद भी ठीक होता है। तो अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा जो कस्टर्ड है ठंडा हो गया है। अब हमें क्या करना है, आप एक मोल्ड ले सकते हैं, या फिर ट्रे ले सकते हैं, या बॉक्स ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो ले लें। देन उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर डेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइस लेंगे हम। उसको मैंने इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इस तरीके से मैंने ब्रेड स्लाइस लगा दिए हैं, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड। मैंने कस्टर्ड डाल दिया है, और अब हम इस पर डाल देते हैं फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पे पपाया डाल रही हूँ। आपके पास जो भी फ्रूट्स हों घर पर इजीली आप वही इसमें डाल सकते हैं। मैं पपाया इसमें सारे ही मिक्स कर दूँ, आप चाहे तो सारा डाल दें एक साथ, चाहे आप इसको दोनों ही लेयर में डाल देंगे, एज यू विश। मैंने इसको सारे ही उसमें डाल दिया है इस तरीके से।
और थोड़े से हम इसमें डाल देते हैं अनार के दाने। वापस क्या करना है हमें, वापस इसमें हमें ब्रेड स्लाइस डाल देने हैं इस तरीके से। वापस हम इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देते हैं। अब हमें क्या डालना है, जो हमने ग्रेप्स कट किए थे हम इसमें वो ऐड करेंगे। और अनारदाना, वापस हम ब्रेड स्लाइड रख लेते हैं। हम इसका 3 लेयर्स में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको 2 लेयर्स में भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको जैसा सही लगे आप उतनी ही लेयर में इसको बनाएं। अब हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर डाल देते हैं वापस कस्टर्ड। अभी हमने इस पर कस्टर्ड डाल दिया है और अब हम यहाँ पे जो हमने क्रश लिया था ना ग्रेप्स का, वो डाल देंगे। अगर आपके पास क्रश नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसको कस्टर्ड से ही इसी तरीके से रहने दें, या फिर आपके पास कोई चॉकलेट फ्लेवर हो वो डाल सकते हैं, कोई फ्रूट कट और करके डाल सकते हैं, वापस फ्रूट की ही लेयर डाल सकते हैं, चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स की लेयर डाल सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपके पास इजी हो आप उसी को डाल दें। इस तरीके से मैंने अंगूर का क्रश डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी, मेरे पास टूटी फ्रूटी रखी हुई थी, तो टूटी फ्रूटी ऐड कर देते हैं हम इसमें। वैसे तो हमारा ये जो डेजर्ट है वो रेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसके टेस्ट में और चार चन्न लगाने के लिए मेरे पास ये वाइट चॉकलेट है, जिसको मैं इस तरीके से नाइक से थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके डाल रही हूँ। ये देखिए, जब ये मुंह में आएगा ना फ्रूट्स का फ्लेवर आएगा, साथ में चॉकलेट टूटी फ्रूटी और एक क्रंची क्रंची जब हमारी चॉकलेट्स आएगी तो इसका ना टेस्ट वाओ, बहुत ही टेस्टी आएगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो मेरा बहुत ही टेस्टी अच्छा डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। हमें इसको जमाना नहीं है फ्रीजर में डाल के, सिर्फ ठंडा करना है, तो अभी हम इसको ठंडा कर लेते हैं, देन हम इसको फिर सर्व करेंगे। तो 4 से 5 घंटे हो चुके हैं हमारे इस डेजर्ट को, तो हम इसको कट करके सर्व कर लेते हैं। इसको बनाइए, बहुत इजी रेसिपी है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।